This article is about a report on the state of world forest, and name of the report is Global Forest Resources Assessment 2020, and its short form is FRA 2020. Food and Agriculture Organization ने Global Forest Resources Assessment 2020 की रिपोर्ट इस साल मई में रिलीज की है, और ये जो Food and Agriculture Organization है, ये United Nation की एक संस्था है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को हर 5 साल के बाद रिलीज करता है, और ऐसी पहली रिपोर्ट 1990 में रिलीज की गई थी. ये रिपोर्ट वर्ल्ड के फॉरेस्ट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करता है, और 1990 से 2020 के बीच जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट है उनमें क्या ट्रेंड देखने को मिला है इसके बारे में भी विस्तार से बताती है. इस रिपोर्ट की जो मेन फाइंडिंग्स है वो इस प्रकार है. फर्स्ट इज कि वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है दैट इज 4.6 बिलियन हेक्टेयर्स, और ये वर्ल्ड के टोटल एरिया का 31% है. इट मींस कि वर्ल्ड का 31% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, एंड आउट ऑफ दिस तो मैक्सिमम एरिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंडर आता है, और ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 41% है. और सेकेंड पोजिशन पर है बोरियल और टैगा फॉरेस्ट, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 27% है. और थर्ड पोजीशन पर आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, और ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 16% है. और एरिया वाइज फोर्थ रैंक पर आते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ये टोटल एरिया का फॉरेस्ट एरिया का 11% है. सेकंड इज के वर्ल्ड के फॉरेस्ट का अप्रोक्सीमेटली 54% एरिया वर्ल्ड के 5 कंट्रीज में पाया जाता है. इसमें मैक्सिमम एरिया रशिया के अंडर आता है, और टोटल फॉरेस्ट एरिया का 20% जो है ये रशिया में पाया जाता है. और सेकंड पोजीशन पर है ब्राज़ील विद 11.2% एरिया, थर्ड पर है कनाडा विद 9% एरिया, और फोर्थ पर है यूएस विद 8% एरिया, और फिफ्थ पर है चाइना विद 5% एरिया. नेक्स्ट इज दैट सिंस 1990 मतलब 1990 से हम 178 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया लूज कर चुके हैं, और साइज वाइज ये लीबिया कंट्री के इक्वल है. अनदर फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट फॉरेस्ट एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन सिंस 1990 फॉरेस्ट एरिया के डिक्रीज होने की रेट या रफ्तार या स्पीड कह लीजिए ये कम हुई है. इसका कारण है कि कुछ कंट्रीज में रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है, और कुछ कंट्रीज में फॉरेस्ट एरिया एक्सपेंड हुआ है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है. लेकिन फिर भी हम हर साल 4.7 मिलियन फॉरेस्ट एरिया लूज कर रहे हैं. इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो हम लूज़ कर रहे हैं वो है सब सारा अफ्रीका रीजन में, और दूसरे नंबर पर है साउथ अमेरिका. सो हम सब सारा अफ्रीका रीजन और साउथ अमेरिका, इन दो रीजन्स में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया लूज़ कर रहे हैं. कुछ फॉरेस्ट को गवर्नमेंट कानून बनाकर लीगली एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देती है. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये जो लीगली एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं इनका एरिया लगातार बढ़ रहा है, और पिछले 20 साल में ये एरिया ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का 18% हो गए हैं. वो फॉरेस्ट एरिया जिनके पास कोई ना कोई लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान है, वो फॉरेस्ट एरिया जिनके लिए कोई लॉन्ग टर्म एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए प्लान है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्लान है, इन फॉरेस्ट का एरिया 13% इंक्रीज हुआ है. और जो 10 कंट्रीज जिनमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, मतलब 2010 से लेकर 2020 के बीच जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है इस पीरियड में, वो 10 कंट्रीज हैं चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की, यूएस, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया. सिंस 1990 से जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट हैं उनका एरिया कम हुआ है, लेकिन जो प्लांटेड फॉरेस्ट हैं उनका एरिया 123 मिलियन हेक्टेयर्स इंक्रीज हुआ है. एन एस्टिमेटेड ऐसा अनुमान है कि 1990 से पूरे वर्ल्ड में 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया दूसरे इस्तेमाल के लिए कन्वर्ट किया गया है, जैसे फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है, या फॉरेस्ट एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है. फॉरेस्ट एरिया का जो हाईएस्ट गेन है ये एशिया में हुआ है, और पूरे एशिया में 1.2% फॉरेस्ट एरिया का गेन हुआ है. इंडिया का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है,
इंडिया उन टॉप के कंट्रीज में इंक्लूडेड है जिनका फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। इंडिया के जो फॉरेस्ट एरिया के इंक्रीज होने की रेट है दैट इज़ 0.38%, मतलब कि एनुअल 0.38% की रेट से इंडिया का फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। इंडिया में जो फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल या लोकल कम्युनिटीज द्वारा मैनेज किए जाते हैं, इनका एरिया पहले 1990 में नील था और 2019 में ये बढ़कर 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। और इंडिया वर्ल्ड का वो कंट्री है जो फॉरेस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग फॉरेस्ट्री के सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इंडिया में हैं।